वेलकम बैक टू चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं, बैंक निफ्टी को एनालाइज करो। देखते हैं कल एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी किस तरीके से काम कर सकता है, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्या रहनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी को एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने के लिए। मेरा नाम है श्री रजित रावरिया, मैं कॉन्टेंट एनालिस्ट एट एंजल वन। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी को एनालाइज करना। तो सबसे पहले देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम पे किस तरीके के कैंडल्स बन के निकल के आ रही हैं बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी ने पिछले दो वीक की कैंडल आपको बियरिश कैंडल देखने को मिल रही थी, बट पिछले वीक की कैंडल में नीचे से आपको वीक देखने को जरूर मिली थी। लेटेस्ट वीक की कैंडल एक छोटी सी कैंडल मिल रही है, बट इसमें कोई भी एक डिसीजन नहीं बन रहा है, एक इंडिसिसिव कैंडल देखने को मिल रही है। हालांकि बियरिशनेस कम होती हुई नजर आ रही है क्लियरली, और मार्केट बियरिश होता हुआ आपको नहीं दिख रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे यही इनसाइट आपको देखने को मिल रही है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर कैंडल को एनालाइज करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक डाउनवर्ड चैनल में बैंक निफ्टी काम कर रहा है, एक लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ बैंक निफ्टी दिख रहा है। ऊपर के लेवल पे 45,000-46,000 के ऊपर जब बैंक निफ्टी निकला था वहां से आपको हैवी सेलिंग देखने को मिली, तो बैंक निफ्टी एक डाउनफॉल में देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे अगर लेटेस्ट कैंडल अगर देखें, लेटेस्ट डेली कैंडल अगर देखते हैं, तो एक पिनबार कैंडल आपको देखने को मिल रही है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये कैंडल अपने आप में एक पॉजिटिव कैंडल है जो कि एक डबल बॉटम यहाँ पे बनाता हुआ नजर आ रहा है। लोअर टाइम फ्रेम में और बेटर तरीके से देख पाएंगे कि किस तरीके से पैटर्न निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे अगर ट्रेंड की बात करें तो सुपर ट्रेंड की मदद से देखें तो ट्रेंड अभी बियरिश है, और आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भी ओवरसोल्ड जोन के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आर्ली टाइम फ्रेम पे अगर आते हैं तो आर्ली टाइम फ्रेम पे क्लियरली आपको जो पैटर्न हम लोगों ने देखा था वो पैटर्न समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे डाउन गया, मार्केट ने रिट्रेस किया, देन अगेन डाउन गया, यहाँ पे रिट्रेस करने की कोशिश की और मार्केट फिर से नीचे आया। और सेकंड हाफ में मतलब कि वेडनेसडे को सेकंड हाफ में आपने देखा कि यहाँ से एलिक्विड की बाइंग आती हुई देखी। तो ये जो लोअर हाई लोअर लो है ये कंटिन्यू नहीं हुआ, मार्केट ने यहाँ से रिवर्ट बैक दे दिया, एक टर्न अराउंड आपको देखने को मिला बैंक निफ्टी में। अब आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कल की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स इंपॉर्टेंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन को रीड करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले प्राइस में ये निकल के आ रहा है कि सबसे पहले तो सपोर्ट जो लेवल है 44,300 पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, उसके बाद जो लेटेस्ट सपोर्ट अगर देखें तो 44,500 के आसपास जो रिबाउंड हुआ है निफ्टी में बैंक निफ्टी में। सो ये लेवल भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो जाता है। बट रेजिस्टेंस की बात करें तो 45,000 से लेकर 45,150 का जो जोन है ये एक अभी भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इसके ऊपर मार्केट अभी नहीं निकल पा रहा। मल्टीपल अटेम्प्ट मार्केट ने किए हैं यहाँ से ऊपर जाने को। यहाँ पे अगर हम क्लियरली देखें मार्केट ने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कई बार मार्केट ने ऊपर जाने का अटेम्प्ट किया बट यहाँ से फेल होता हुआ देखा। और आज के दिन में हमने देखा कि मार्केट ने एक ट्रेंड जो हमने लाइव ट्रेडिंग में भी देखा था कि एक पैटर्न बन रहा था उसको ब्रेक डाउन करके एक शॉर्ट ट्रेड दिया, बट सेकंड हाफ में मार्केट में आपको एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। निफ्टी में रिकवरी कुछ ज़्यादा अच्छी थी, बैंक निफ्टी में इतनी अच्छी रिकवरी देखने को नहीं मिली है। तो बैंकिंग स्टॉक्स हो सकते हैं कि थोड़े इतने ज़्यादा पॉजिटिव ना हो, बट ओवरऑल मार्केट में आपको बाइंग देखने को मिली है। तो ये अपने आप में एक अलार्मिंग है कि मार्केट यहाँ से रिबाउंड हो सकता है। बट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन की अभी भी बात करें तो 45,000 से 45,150 का जोन है, ये अभी भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है देन हम बोल सकते हैं कि मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में जा चुका है। मार्केट में जो लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा था काफी लंबे टाइम से, मार्केट जो लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा था ये फेल होता हुआ नजर आएगा, मार्केट यहाँ से अपवर्ड रैली चालू करेगा। बट 45,150 के ऊपर बैंक निफ्टी को निकलना इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कल को यहाँ पे सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी नीचे आती है तो यहाँ पे एक अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास आपको अगर रेजिस्टेंस फेस होता हुआ देखो नीचे अगर मार्केट आया तो एक शॉर्ट ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं। बाकी कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट प्लान्ड है, आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन होना है जिसके कारण एक अनसर्टेनिटी है। मार्केट को कल फर्स्ट हाफ में थोड़ा सेटल होने दीजिए, थोड़ा क्लैरिटी आएगी मार्केट में, हो सकता है कल एक बड़े गैप अप या गैप डाउन देखने को मिले। तो पहले मार्केट को सेटल होने दें, एक डायरेक्शन तय होने दें मार्केट का इस बड़े इवेंट के बाद, देन आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी प्लान करें कि किस तरीके से आपको प्लान करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का ध्यान रखें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही ट्रेडिंग करनी है। रेजिस्टेंस लेवल जैसा कि हमने देखा 45,000 से लेकर 45,150 पे है, उसके ऊपर का रेजिस्टेंस अगर देखें तो 45,500 के आसपास जो अनफिल्ड गैप है यहाँ पे जो गैप देख पा रहे हैं ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लेवल है, अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आपके लिए 45,500 के आसपास हो सकता है। और सपोर्ट पे 44,500 का जो लेवल है जहाँ से मार्केट रिबाउंड हुआ है ये एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। तो दोनों रेजिस्टेंस सपोर्ट के आसपास आप रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं कल के दिन में, डिपेंड करेगा मार्केट किस तरीके से ओपन होता है, इवेंट किस तरीके से प्ले आउट करता है। तो वेट एंड वॉच की स्थिति मार्केट में, मार्केट को वॉच करें किस तरीके डायरेक्शन क्लियर होता है, डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेंड लेने की कोशिश करें। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एनालिसिस सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको क्लियर हुए होंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.